बजट के तुरंत बाद सचिन पायलट गुट एक्टिव हो गया है और अब राजस्थान कांग्रेस में बदलाव की मांग खुलकर करने लगा है। अभी तक चुप रहने वाले सचिन पायलट ने भी अशोक गहलोत और गहलोत समर्थक विधायकों पर जोरदार हमला बोला है। सचिन ने 25 दिसंबर को विधायक दल की बैठक का बहिष्कार करने के मामले में जिम्मेदार नोटिस देने और तीन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई में देरी पर फिर सवाल उठाए हैं। पायलट ने गहलोत समर्थक विधायकों पर दबाव बनाने की पार्टी स्तर पर जांच करने का मुद्दा उठाया है। पायलट ने गहलोत गुट के विधायकों के दबाव में इस्तीफों के पीछे की वजह की जांच करने की मांग की है। पायलट ने कहा कि विधानसभा स्पीकर ने हाईकोर्ट में दायर हलफनामे में इसका उल्लेख किया गया है। 81 विधायकों के इस्तीफे मिले और कुछ ने व्यक्तिगत तौर पर इस्तीफे सौंपे थे। कुछ विधायकों के इस्तीफे फोटोकॉपी थे और बाकी को स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि वे विधायकों ने अपनी मर्जी से नहीं दिए थे। इस वजह से विधानसभा अध्यक्ष ने इस्तीफे अस्वीकार किए। पायलट अब खुलकर सवाल पूछ रहे हैं कि ये इस्तीफे स्वीकार नहीं किए गए क्योंकि अपनी मर्जी से नहीं दिए गए थे। अगर वे अपनी मर्जी से नहीं दिए गए थे तो ये किसके दबाव में दिए गए थे? क्या कोई धमकी थी, लालच था या दबाव था? यह एक विषय है जिस पर पार्टी की ओर से जांच के लिए जाने की जरूरत है। पायलट ने कहा, हम बहुत जल्द चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं, बजट भी पेश हो चुका है। पार्टी नेतृत्व ने कई बार कहा कि वह फैसला करेगा कि कैसे आगे बढ़ना है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के बारे में जो भी फैसला करना है वो होना चाहिए क्योंकि इस साल के आखिर में चुनाव है। अगर हर 5 साल पर सरकार बदलने की 25 साल से चली आ रही परंपरा बदलनी है और फिर से कांग्रेस सरकार लानी है तो जल्द फैसला करना होगा। सचिन के इस बयान के बाद माना जा रहा है कि अगर अब आलाकमान फैसला लेने में देरी करता है तो फिर सचिन गुट अपना फैसला ले सकता है। ऐसी ही अन्य खबरों के लिए द पीके टाइम्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।